देखो हमारी तो यही मांग है कि जितना इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हो चुका है वो सबके सामने है, हम अलग से कुछ बयां करें उसमें कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सारी स्टार्ट से लेकर एंड तक जो आज तक हुई है वो सारी सबके सामने है और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से छिपी हुई नहीं है, पूरी जनता तक है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि सरकार अब देरी ना करे और ये कमेटी और लीपापोते करना बंद करे और इस भर्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द करे, क्योंकि 3 साल का वक्त बीत जाता है, 3 साल में भी आप यदि किसी पूर्ववर्ती सरकार की गलती को यदि दुरुस्त नहीं कर पाते तो फिर क्या मतलब है इस जनसत्ता में आने का, और जनता से आप लुभावने वादे करते हैं, युवाओं से आप वादे करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो करप्ट भर्तियों को रद्द करेंगे, वैसे करेंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि जब SOG ने पूरी तहकीकात करके जांच रिपोर्ट आपको सुपुर्द कर दी है, पूरा PHQ मुख्यालय DGP साहब ने आपको अनुशंसा भेज दी है कि इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए, और AG साहब से जब राय ली जाती है तो उनका भी यही कहना है कि इसमें योग्य और अयोग्य दोनों को पहचानना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इस भर्ती को रद्द करके वापस नए सिरे से आयोजित करवाना एकमात्र विकल्प है। तो सरकार इसमें देरी क्यों कर रही है, सरकार कमेटी गठित करके इसको लंबित करने का काम करिए जो कि छात्रों के हितों में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सरकार जल्द से जल्द इस भर्ती को रद्द करे और पीड़ित छात्रों को न्याय देने का काम करे। सर, हम बाबा से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि ऐसा ही भर्ती को रद्द करवाएं, कल की कैबिनेट मीटिंग में शामिल हों वो और हमारी मांग रखें, हमारी तरफ से पक्ष रखें, क्योंकि सर शुरुआत से वही थे जिन्होंने हमारा दर्द समझा, हमारे साथ खड़े हुए 2021 से। तो सर हमसे यही गुहार लगाने आए हैं कि कल शामिल होकर ऐसा ही भर्ती को रद्द करवाएं। सर हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए अगर सरकार ये कदम उठाती है तो हम उनके लिए बहुत आभारी रहेंगे, SOG के आभारी रहेंगे, AD के आभारी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत हम आभारी रहेंगे, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे दिल से। मेरा ये कहना है कि ऐसा ही भर्ती है वो कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में ऐसा ही भर्ती को सरकार को रद्द करना चाहिए, यदि रद्द नहीं की तो हमारे स्टूडेंट की तरफ से वो दूसरा JP आंदोलन होगा जो इतिहास में पहला एक बार हुआ था, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, और रद्द नहीं की तो दूसरा JP आंदोलन हम जयपुर में करेंगे, इसलिए ऐसा ही भर्ती रद्द करनी चाहिए। 50 ट्रेनी ऐसा ही पकड़े गए अभी तक, और ये जांच कौन करेगा कि इंटरव्यू में किस किस लोगों ने पैसे दिए है, इंटरव्यू में भी कई लोगों ने पैसे दिए उसकी भी जाँच नहीं हुई अभी तो इससे यह साबित होता है कि 800 में से लगभग आधे से ज़्यादा फर्जी है, तो इसलिए जांच बहुत तेजी से आगे बढ़नी चाहिए। तो RBC के मेंबर है, सदस्य है, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, अभी तक केवल एक की गिरफ्तारी हुई है वो है रामूराम राय का की। यहाँ बाबा जी बता रहे हैं अभी आने को है और हम हमारा पक्ष रखने के लिए आए हैं बाबा को कि कल कैबिनेट में आवे और अपना हमारा पक्ष रखे और ऐसा ही भर्ती को रद्द करे और दोबारा आयोजित करवाए पारदर्शिता के साथ में।